भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी अब अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा वाले विमान में यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए बोइंग कंपनी में तैयार हो रहे बोइंग 770 विमानों में मिसाइल प्रोटेक्शन सूट लगाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल की भारत की यात्रा के दौरान इन सूट की खरीद के लिए 1200 करोड़ रुपए में समझौता हुआ है। ये समझौता सरकार से सरकार के बीच हुआ है। इन मिसाइल प्रोटेक्शन सूट के लगने के बाद ये BBIP विमान किसी भी तरह के मिसाइल हमलों से सुरक्षित हो जाएंगे। ये विमान इंफ्रारेड किरणों के हमले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करने की कोशिश और अन्य तरह के हमलों को विफल करने की प्रणालियों से लैस होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का बहुचर्चित विमान एयरफोर्स वन भी इन सुविधाओं से लैस है। बोइंग के अमेरिका स्थित कारखाने में तैयार हो रहे दोनों विमान जून 2021 तक भारत आने की उम्मीद है। इसके बाद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं में इस्तेमाल होने लगेंगे। इन विमानों के निर्माण पर भारतीय वायुसेना नजर रख रही है और अक्सर उसके अधिकारी बोइंग के कारखाने का दौरा करते रहते हैं। दोनों विमानों में मिसाइल प्रोटेक्शन सूट और अन्य सैन्य उपकरण लगे होने के कारण अब इनका स्वामित्व भारतीय वायुसेना के पास रहेगा। पहले BBIP फ्लीट में शामिल चार बोइंग 747 विमान एयर इंडिया के पास रहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय इस प्रणाली के अतिरिक्त नौसेना के लिए 24 रोमियो बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर और सेना के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद का भी समझौता हुआ है।